Hey guys, welcome back to Movie Narco. और आज हम बात करेंगे 2017 में रिलीज हुई Netflix की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉरर कॉमेडी द बेबी सिटर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मूवी नार्को को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो कहानी शुरू होती है कोल नाम के एक लौंडे से जो अपने स्कूल क्लिनिक में है। कोल की इंजेक्शन और स्कूल के बाकी सभी लौंडों से बहुत ज्यादा फटती है, इसलिए सब लोग उसे लूजर, फट्टू या पुसी बुलाते हैं। बेचारा कोल इतना ज्यादा फट्टू है कि उससे कार तक स्टार्ट नहीं होती, इवन उसके मम्मी पापा तक उससे बोलते हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कोल 12 साल का है लेकिन फिर भी उसे एक बेबी सिटर की जरूरत पड़ती है और इसलिए स्कूल के बाकी लौंडे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब वो उसकी सुंदर सी बेबी सिटर बी को देखते हैं तो उनकी जल के लाल हो जाती है। बी और कोल दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जहाँ सभी लोग कोल के फट्टू होने पर उसे चिढ़ाते हैं वही बी उसका पूरा पूरा सपोर्ट करती है। वो उसे बुली करने वाले ठरकियों से बचाती है और इमोशनली सपोर्ट भी करती है। अब कुछ टाइम बाद कोल के मम्मी पापा उसे घर पे बेबी सिटर यानी बी के हवाले छोड़ के मोस्ट प्रोबेबली कोल को एक छोटा भाई या बहन देने बाहर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन। अब कोल इस बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड मेलेनी को बताता है तो मेलेनी उसे बताती है कि बेबी सिटर्स बच्चों को सुलाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड्स को रात में घुस के उनके साथ सेक्स करती है। अब कोल भी एक नंबर का हरामी, उसे भी लाइव एक्शन देखना है तो वो रात में जागने का डिसाइड करता है। कोल के मम्मी पापा उसे घर पे ही छोड़ के अकेले छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। अरे घर पे ही कर लो यार, रूम लॉक कर लेना, बेबी सिटर का भी खर्चा बचेगा। लेकिन नहीं, ये कपल कोल को बी के सहारे छोड़ के चले जाता है। अब कोल और बी दोनों खूब मजे करते हैं, वो लोग घर पे पार्टी करते हैं, शाम को मूवीज देखते हैं और रात को जब कोल के सोने का टाइम हो जाता है तो बी उसे एक शॉट दे देती है ताकि कोल को जल्दी से नींद आ जाए। लेकिन कोल को तो आज लाइव एक्शन देखना है तो बी को पागल बना के ड्रिंक को फेंक देता है और इमिटेट करता है कि उसने ड्रिंक पी ली है। एक साल ये लौंडा है जो 12 की एज में भी दारू पी रहा है, और बाद में जब 12 साल का था तो मेरे मम्मी पापा मुझे चाय भी नहीं देते थे। एनीवेज, रात में कोल इमिटेट करता है कि वो सो गया लेकिन वो जागता रहता है और एक दो घंटे बाद वो डोर बेल सुनता है। बी के कुछ दोस्त उसके घर पे आए हुए हैं। अब क्योंकि कोल को लाइव एक्शन देखना है वो छुपके इन लोगों को ऑब्जर्व करता है। अब टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी इन लोगों के नाम ढंग से याद नहीं है, बट आई विल ट्राई। इनमें से पहला है मैक्स, मसल वाला मैक्स, दूसरी है क्यूट सी एलिसन, तीसरा अपना कालू भाई जॉन, चीनी लड़की सोनिया और चोमू सैमुअल। ये लोग स्पिन द बॉटल खेल रहे हैं। कुछ टाइम बाद बॉटल बी की तरफ पॉइंट आउट करती है और डेयर चूज करने पर बी को वहां मौजूद सभी लोगों को किस करने का टास्क मिलता है। बी एक एक करके सबको किस करती है और भाई जब क्यूट एलिसन की बारी आती है सब लोगों को किस करने के बाद फाइनली चोमू सैमुअल की बारी आती है। सैमुअल शुरुआत में थोड़ा हेजिटेट करता है बट इवेंचुअली वो किस करने के लिए मान जाता है और एक प्यारी सी किस करने के बाद बी दो चक्कू निकाल के चोमू के सर पे घोंप देती है और ये सब देख के कोल भी लाइक। कोल जल्दी से अपनी रूम की तरफ भाग के पुलिस को कॉल करता है और मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करता है। पुलिस हेल्पलाइन उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करके जल्दी से वहां आने को बोलते हैं लेकिन कोल भी एक नंबर का चोमू है तो वो छुपने की जगह उन लोगों को बाहर देखने चला जाता है। यहाँ भी चोमू सैमुअल के टकले में से घुसे चाकू निकालती है और बाकी सब लोग उसके खून को दो प्यालों में कलेक्ट करते हैं। अब इन लोगों की बातों से पता चलता है कि ये लोग यहाँ बलि चढ़ाने आए हुए हैं और ये चोमू सैमुअल इनका सेक्रीफाइस है। बी अब एक काले जादू की किताब निकालती है जिसमें लिखा है कि अगर ये लोग सेक्रीफाइस के ब्लड को इनोसेंट के ब्लड से मिक्स करेंगे तो इनकी मनोकामना पूरी होगी। वैसे ये सब फालतू के टोटके टमने छोड़ो, नींबू में लौंग घुसाओ फिर देखो क्या कमाल होता है। अब इनोसेंट का मतलब है कोल, तो ये लोग कोल के रूम की तरफ बढ़ते हैं। कोल इनको आते देख जल्दी से अपने बिस्तर पे लेट जाता है और ये लोग कोल का थोड़ा सा ब्लड सिरिंज के थ्रू निकाल लेते हैं। इन लोगों के जाने के बाद कोल घर से बाहर निकलने की फिराक में रहता है। अब क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है वो बेडशीट की एक रस्सी बना के नीचे जाने का ट्राई करता है। यही हम उसके पीछे बी को देखते हैं लेकिन कोल उसको देखते ही बेहोश हो जाता है। एक्चुअली इन लोगों ने अभी अभी कोल का थोड़ा सा ब्लड लिया है तो मे भी हो सकता है उसकी ब्लड शुगर कम हो इसलिए वो बेहोश हो गया हो। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि इन लोगों ने उसको चेयर से बांध रखा है। कोल नाटक करता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। वो बी से पूछता है कि ये लोग कौन है
और इन लोगों ने चुपके से उसका खून क्यों निकाला। तब बी उससे झूठ बोल देती है कि इन लोगों ने एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए कोल का खून निकाला है। अब दोनों पार्टी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और बी कोल को निकालने ही वाली होती है, लेकिन तभी पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि ससुरा कोल ने सब कुछ देख लिया है और इसी ने पुलिस को फोन करके इन सब के बारे में बताया है। अब पुलिस वाले दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये मैक्स जिसने अपनी शर्ट उतार दी है वो पुलिस वाले पर भाला फेंक देता है और बी भी दूसरे पुलिस वाले का गला काट देती है। इन सब में बेचारी एलिसन के एक गद्दे पे गोली लग जाती है। इसके बाद एलिसन अपना डंडी धोना स्टार्ट कर देती है और कोल मौका देख के अपने पॉकेट नाइफ से अपनी सारी रस्सियां काट के अपने रूम की तरफ भागता है। कालू भाई कोल का पीछा करते हैं और कोल उसे धक्का दे देता है और वो रेलिंग से टकरा के नीचे गिर जाता है और एक ग्लास पीस उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है और इसी तरह कालू भाई रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। अब मसल वाले भैया कोल का पीछा करते हैं बट कोल नीचे कट लेता है और फिर इसके बाद एक चेस सीन शुरू। कोल गैराज में छुप जाता है जहां उसे चोमू सैमुअल की लाश और अपने कुछ औजार मिलते हैं। अब कोल चुपचाप सारे औजार लेके अपने बेसमेंट में छुप जाता है जहां चीनी सोनिया उसे अंदर आके पकड़ लेती है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कोल चीनी लड़की पे चाइना से इंपोर्टेड रॉकेट छोड़ देता है, लेकिन वो मिस कर जाता है। अब छोटे शरीर की वजह से कोल जल्दी से वहां से बाहर आ जाता है और एंट्रेंस को ड्रिल मशीन से सील कर देता है और चीनी सोनिया दिवाली के रॉकेट के फटने पर मारी जाती है। और इसके बाद मसल वाले भैया कोल को देख लेते हैं और फिर से एक चेस सीन शुरू। कोल डर के ऊपर अपने ट्री हाउस में चढ़ आता है, लेकिन वहां मैक्स उसे फाइनली पकड़ लेता है। अब ट्री हाउस थोड़ा पुराना है तो वहां का फ्लोर टूट जाता है और मैक्स वहां से गिर के फांसी पे लटक जाता है। बेचारा कोल इन सब के सदमे से बाहर आ ही रहा था कि तभी बी उसकी तरफ एक शॉटगन चला देती है और कोल डर के मारे वहां से भागता है और उसकी नेवर और बेस्ट फ्रेंड मेलेनी, जिसे इन लोगों के बारे में पहले ही कोल ने टेक्स्ट करके बता दिया था, वो अपने घर का डोर खोल के कोल को अंदर ले लेती। कोल मेलेनी को सब समझाने की कोशिश करता है बट उसे टिंडा को समझ नहीं आता। उसे बस गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो वो कोल के रेस्क्यू के लिए भागी। अब मेलेनी के पापा घर से बाहर मजे करने गए हैं और वो घर पे अकेली है। तभी भी कोल को देखते देखते मेलेनी के घर के अंदर आ जाती है और ये दोनों बच्चे छुप जाते हैं। थोड़ी ताका झाकी करने के बाद वी वहां से चली जाती है। अब इन सब से कोल की थोड़ी फटी हुई है तो मेलेनी उसको कंसोल करने के लिए उसे किस करती है। एक किस के बाद कोल को बहुत ज्यादा जोश चढ़ आता है तो वो मेलेनी को इन सब से दूर रखने के लिए अपने घर की तरफ भाग जाता है। जाते समय वो मेलेनी को पुलिस को फोन करने को बोलता है। अब घर की तरफ वापस आते हुए वो देखता है कि पूरा घर साफ हो चुका है और बाहर भी पुलिस वालों की कार नहीं है। अंदर बस एक चेयर पे क्यूट एलिसन की डेड बॉडी है। अब इतने में एलिसन एकदम से उठ के खड़ी हो जाती है और उसके पीछे पड़ जाती है। अपने आप को बचाने के लिए कोल गलती से उसके गद्दों पे मुक्के मार देता है और इसके बाद एलिसन भी लाइक और वो गुस्से में चाकू लेके कोल को मारने वाली होती है कि तभी बी शॉटगन से उसका थोबड़ा फाड़ देती है। वो वैसे तो बस कोल को डराना चाहती थी बट उसे गलती से मिस्टेक हो गई और उसने एलिसन को मार दिया। बी अब कोल से कहती है कि वो लोग पुलिस को फोन करके कह देंगे कि बाकी सब लोग उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे और ये लोग बस खुद को डिफेंड करने में लगे थे। ऐसा करने पर बी कोल को अकेले छोड़ के शहर से बाहर चली जाएगी। ओवरऑल वो कोल को पुरानी फ्रेंडशिप का हवाला देते हुए कॉम्प्रो करने की बोलती है, लेकिन अपना कोल तो हीरो बनना चाहता है तो वो बी की जादू टोने की किताब को आग लगा के घर से बाहर भाग जाता है। बी सब कुछ छोड़ के उस किताब की आग को बुझाने में लग जाती है। विश शोज की ये किताब उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है। अब कोल मेलेनी की डैड की कार को लेके घर में घुसा देता है और बी कार के नीचे दब जाती है। अब कोल बाहर निकल के घायल हुई बी के साथ गहराई में उतर के थोड़ी इमोशनल बातें करता है और इतने में पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। मूवी के एंड में हम कोल को अपने डिस्ट्रॉयड हुए घर के बाहर बैठे हुए देखते हैं और क्योंकि उसने अपने सारे फियर्स को कॉन्कर कर लिया है अब उसे कोई भी बेबी सीटर की जरूरत नहीं है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक फायर फाइटर कोल के घर की तलाशी ले रहा है। वहां कार के नीचे उसे बी की लाश नहीं मिलती। तभी हम देख पाते हैं कि बी एक चाकू लेके उस रेंजर पे हमला करती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। इस मूवी का 2020 में एक सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है जिसका नाम है बेबी सिटर द किलर क्वीन, जिसकी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगी। मूवी नार्को पे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल किसिंग बूथ 1 और 2 की भी वीडियो है और उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और थंबनेल्स पे मिल जाएगी। सो डू चेक इट आउट।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मूवी नाको को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।